कहानी की शुरुआत में हम सारा नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो क्लासरूम में अपनी फ्रेंड कियाना से बात कर रही होती है। तभी वहाँ पर सारा का बॉयफ्रेंड स्काइलर भी आ जाता है, लेकिन अब उसने सारा से ब्रेकअप कर लिया होता है। अब क्लास खत्म होने के बाद सारा स्काइलर से मिलने उसके पास जाती है, पर स्काइलर सारा को इग्नोर कर देता है क्योंकि सारा ने उसके साथ सेक्स नहीं किया था, जिसकी वजह से वो अभी भी उससे नाराज है। अब रात में सारा स्काइलर के घर जाती है, जहाँ ये दोनों इंटीमेट होने लगती है। तभी स्काइलर अजीब सा बिहेव करने लगता है और चिल्लाता भी है। अब अगले दिन सुबह सारा और स्काइलर दोनों रोमांटिक मूड में स्कूल आते हैं, जहां वे दोनों सबके सामने किस करने वाले होते हैं, पर तभी सारा वॉमिटिंग करने लगती है, जिससे ये दोनों किस नहीं कर पाते। इसके बाद सारा स्काइलर के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है, यहाँ कियाना उसका मजाक उड़ाने लगती है। तभी अचानक से सारा के पेट में दर्द होने लगता है, जिसे देख कर कियाना कहती है कि कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। कियाना की आवाज सुनकर सारा काफी घबरा जाती है, इसलिए वो रात में अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, जो नेगेटिव आता है। फिर सारा उस टेस्ट किट को नीचे फेंक कर सोने के लिए चली जाती है। अब अगले दिन सुबह जब सारा की आंखें खुलती हैं, तो वो अपने पेट को फूला हुआ पाती है, इसलिए वो दोबारा से उसी टेस्ट किट को चेक करती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। ये जानकर सारा काफी दुखी हो जाती है। इसके बाद सारा अपनी मॉम केट से बचते हुए विंडो से कूदकर बाहर आ जाती है। फिर वो अपनी एक फ्रेंड हेली के पास जाती है और उससे सब कुछ बताने लगती है। हेली ये सुनकर काफी हैरान होती है, क्योंकि किसी का एक ही रात में प्रेग्नेंट हो जाना मुमकिन नहीं है। अब हेली सारा का एबॉर्शन कराने के लिए एक क्लिनिक में ले जाती है। क्लिनिक में नर्स सारा का चेकअप करती है, तभी उस नर्स को सारा के पेट में एक इंसानी बच्चे की बजाय एक अजीब सा क्रिएचर नजर आता है, जिससे वो नर्स काफी ज्यादा डर जाती है और वहाँ से डॉक्टर को बुलाने के लिए चली जाती है। इसके बाद वहाँ पर डॉक्टर रिचर्ड आता है, जो सारा की मदद करने लगता है। तभी सारा उस क्रिएचर को जन्म दे देती है, जो बाहर आते ही डॉक्टर रिचर्ड को एक झटके में ही मार डालता है। ये सब देख कर सभी लोग काफी डर जाते हैं। फिर वो क्रिएचर इस रूम में चारों तरफ तोड़फोड़ करने लगता है। इसके बाद वो नर्स लाइट लेकर उस क्रिएचर को देखने लगती है, पर तभी वो उस नर्स पर हमला कर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो एक एलियन क्रिएचर है। अब सारा और हेली काफी डर जाती हैं और अपनी जान बचाकर वहां से अपनी गाड़ी के अंदर आ जाती हैं। इसके बाद ये दोनों एक जगह पर आकर अपनी गाड़ी रोकती हैं। अब ये दोनों काफी खुश होती हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि ये दोनों बच गई हैं। पर तभी अचानक से सारा के पेट में फिर से दर्द होने लगता है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है। ये देखकर हेली काफी ज्यादा डर जाती है और सारा से पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए बोलती है, लेकिन सारा पुलिस को नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि पुलिस इनकी बात उसकी मॉम केट को भी बता देगी। इस पर हेली कहती है कि हमें स्काइलर से बात करनी चाहिए, क्योंकि वो अभी अभी मैक्सिको से आया है। पर सारा ये सब बातें उससे भी शेयर नहीं करना चाहती। इसके बाद सारा हेली के साथ घर जाती है और अपने उस दूसरे क्रिएचर को बाहर निकलवाने की कोशिश करती है, लेकिन वो क्रिएचर बाहर ही नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर सारा की मॉम केट भी आ जाती है, जिसे देखकर सारा वहीं छिप जाती है। अब केट के जाने के बाद हेली सारा से डेव के बारे में बताती है, जो एक एनिमल एक्सपर्ट था। इसके बाद सारा हेली के साथ डेव के घर जाने लगती है। फिर जब ये दोनों डेव के घर जा रही होती है, तो इनका पीछा पहला वाला क्रिएचर कर रहा होता है, जिससे ये दोनों काफी हैरान होती है। उधर क्लिनिक में पुलिस वाला जाता है, जो वहाँ की सिचुएशन देख कर काफी घबरा जाता है। तभी उसे वहाँ पर सारा का भरा हुआ फॉर्म भी मिल जाता है। इधर हेली और सारा डेव के घर पहुंच जाती हैं और उसे सब कुछ बता देती हैं। ये सुनकर डेव काफी घबरा जाता है। इसी बीच सारा के पास स्काइलर का कॉल आता है, जो उसके साथ कियाना के घर जाना चाहता था, पर सारा बीमार होने का बहाना बताकर उसे मना कर देती है। इसके बाद डेव सारा के पेट में एक एनिमल वाला इंजेक्शन लगाता है और उसके सामने एक मशीन रख देता है, ताकि जैसे ही वो क्रिएचर बाहर आए, वो उसमें फंसकर मारा जाए। अब सारा उस क्रिएचर को बाहर निकालने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो क्रिएचर बाहर ही नहीं निकलता। ये देखकर डेव इंजेक्शन के बाकी का डोज लेने के लिए अंदर जाता है, पर तभी कोई वहाँ का डोर तोड़ने लगता है, जिससे इन्हें लगता है कि शायद वो पहले वाला क्रिएचर होगा। अब ये सभी उस क्रिएचर को मारने के लिए अपने पास कुछ हथियार ले लेते हैं, लेकिन डोर के बाहर पुलिस वाला होता है, जो सारा को पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है। यहाँ सारा की मॉम केट को सारा के प्रेगनेंसी के बारे में पता चल जाता है, जिससे वो सारा के ऊपर काफी गुस्सा करने लगती है। ये सब देखकर वो ऑफिसर केट को बाहर ले जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें सारा के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए। फिर वो ऑफिसर केट को सारा के पास ले आता है, जहाँ केट उससे पूछती है कि क्लिनिक में क्या हुआ था।
इस पर सारा उन्हें बताती है कि वो प्रेग्नेंट थी और उसने एक एलियन क्रिएचर को जन्म दिया है। केट को उसकी बात पर बिलीव नहीं होता, जिससे हेली भी उन्हें यकीन दिलाने लगती है, लेकिन अभी भी केट को इनकी बात पर यकीन नहीं होता। वहीं पुलिस स्टेशन के बाहर एक पुलिस वाला सिगरेट पी रहा था कि तभी उसके पास एलियन आकर उसे मार डालता है। इसके बाद वो क्रिएचर पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाता है। ये देखकर सभी लोग उस पर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन तभी वो क्रिएचर एक ऑफिसर पर अटैक कर देता है। इसी बीच ऑफिसर ऑस्कर सारा और केट को एक लॉकअप में भेज देते हैं। अब केट को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि सारा के साथ क्या हुआ था। फिर हेली उसे समझाती है कि स्काइलर सारा के साथ इंटीमेट हुआ था, जिसकी वजह से सारा उसी रात प्रेग्नेंट हो गई और एक क्रिएचर को जन्म दिया। अब डेव समझ जाता है कि वो क्रिएचर सारा के पेट में पड़े हुए क्रिएचर को चाहता है, इसलिए वो सारा का पीछा कर रहा है। इधर वो क्रिएचर एक ऑफिसर को अपने कंट्रोल में लेकर बाकी के सभी ऑफिसर को मारने लगता है। ये देखकर सारा, हेली, केट और डेव वहाँ छिपकर भागने लगते हैं। तभी इन्हें ऑफिसर ऑस्कर मिल जाता है, जो इनसे पूछता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। पर तभी वो क्रिएचर ऑस्कर पर हमला कर देता है। फिर वो क्रिएचर ऑस्कर के आंखों में पेन घुसाकर उसे घायल कर देता है। इसके बाद डेव सारा को डोज देने के लिए बोलता है, लेकिन तभी वो क्रिएचर डेव की गर्दन तोड़कर उसे मार डालता है। अब ये तीनों वहाँ से भागते हुए एक रूम तक पहुँचती है, जहाँ पर फिंगरप्रिंट लॉक लगा हुआ था। ये देखकर हेली एक ऑफिसर के कटे हुए फिंगरप्रिंट को उसमें लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो मशीन उस फिंगरप्रिंट को नहीं पकड़ती। तभी वहाँ पर वो क्रिएचर भी आ जाता है, जिससे केट एक बेहोश ऑफिसर की फिंगरप्रिंट लगाकर उस डोर को ओपन कर लेती है। अब सारा और हेली किसी तरह रूम के अंदर चली जाती हैं, पर केट को वो क्रिएचर पकड़ लेता है। इसके बाद वो क्रिएचर केट को कंट्रोल में लेता है और अंदर आकर हेली को मारने लगता है। तभी सारा को काफी दर्द होने लगता है, जिससे वो दूसरा क्रिएचर भी बाहर आ जाता है। फिर वो पहला वाला क्रिएचर उस दूसरे वाले क्रिएचर को अपने साथ लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद जब सारा को होश आता है, तो वो खुद को स्काइलर के पास पाती है। अब स्काइलर को जब ये सब पता चलता है, तो वो काफी हैरान होता है। तभी सारा उससे पूछती है कि क्या तुम्हें इसका कारण पता है, पर स्काइलर को ये सब चीजें बकवास लग रही थी। उधर वो क्रिएचर केट को कंट्रोल में लेकर एक स्टोर में जाता है और वहाँ के सभी लोगों को मारने लगता है। इधर सारा स्काइलर से अकेले में बात करती है, लेकिन तभी वो सारा के साथ फिर से सेक्स करने के लिए आगे बढ़ता है, पर इस बार सारा उसे मना कर देती है, जिससे गुस्सा होकर स्काइलर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सारा वॉशरूम में जाती है, जहाँ पर उसे स्काइलर का लैपटॉप मिलता है। सारा उस लैपटॉप को हेली के पास ले आती है, ताकि उसे स्काइलर के बारे में कुछ पता चल सके, लेकिन उस लैपटॉप में पासवर्ड लगा होता है, जिसे तोड़ने के लिए हेली को अपने भाई के पास जाना पड़ता है, क्योंकि उसका भाई लैपटॉप का पासवर्ड तोड़ना जानता था। उधर उस स्टोर में एक आदमी बच जाता है, जो जल्दी से पुलिस स्टेशन कॉल करता है। अब पुलिस स्टेशन में सभी लोग मारे जा चुके थे, लेकिन ऑस्कर अभी भी जिंदा था, जो कॉल को रिसीव करके उससे बात करता है। इधर हेली सारा के साथ अपने भाई के पास आती है, जिससे उसका भाई उस पासवर्ड को तोड़ देता है। उस लैपटॉप के अंदर काफी पोर्न वीडियोस होती हैं। तभी सारा उस लैपटॉप को चेक करने लगती है, जिसमें उसे स्काइलर की मैक्सिको ट्रिप वाली वीडियो मिलती है। वीडियो चेक करने पर इन्हें पता चलता है कि स्काइलर एक म्यूजियम में गया हुआ था, जहां से उसने एक प्राकृतिक शॉट चुरा लिया था। और जब स्काइलर वहां से वापस आ रहा था, तो उसने एक डॉल के प्राइवेट पार्ट को तोड़ दिया था, जिसमें से कुछ अजीब सी स्मेल निकल रही थी, जो स्काइलर के अंदर चली जाती है। तभी सारा को एक प्रेग्नेंट लेडी की फोटो दिखाई देती है। इसके बाद सारा उस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करती है, जिससे उसे दो क्रिएचर के इंटीमेट होने वाली फोटो दिखाई देती है। ये सब देखकर सारा समझ जाती है कि उसने जिन क्रिएचर को जन्म दिया है, वो दोनों नर और मादा है, जो आपस में इंटीमेट होकर अपने जैसे और क्रिएचर को जन्म देने वाले है। उधर ऑस्कर स्टोर में पहुंच जाता है, जहां पर उसे वही आदमी मिलता है। वो आदमी ऑस्कर को सब कुछ बता देता है, जिससे ऑस्कर उस क्रिएचर को मारने के लिए स्टोर के अंदर जाता है। तभी स्टोर के टेलीफोन पर सारा का कॉल आता है, जो ऑस्कर से अपनी मॉम केट के बारे में पूछती है। इसके बाद ऑस्कर सीसीटीवी फुटेज पर देखता है, जिसमें केट उन दोनों क्रिएचर के पास थी। ये सब जानकर सारा हेली के साथ उसी स्टोर के पास जाने लगती है। इधर ऑस्कर सीसीटीवी की मदद से उन क्रिएचर पर नजर रखे हुए होता है, लेकिन तभी वो क्रिएचर वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर ऑस्कर भी उसका पीछा करने के लिए वहाँ से जाने लगता है। कुछ देर बाद यहाँ सारा और हेली पहुँचती हैं, पर इन्हें यहाँ
कोई भी दिखाई नहीं देता, जिससे सारा समझ जाती है कि उन क्रिएचर को बहुत सारी लड़कियों के सामने इंटीमेट होना है, इसलिए वो कियना के पार्टी में गए होंगे। अब सारा और हेली दोनों कियना के पार्टी में जाती हैं। यहाँ सारा के हाथ में वही प्राकृतिक शॉट होता है और हेली एक इलेक्ट्रिक शॉक लिए हुए थी। उधर केट को जब होश आता है तो वो अपने सामने उन्हीं मेल और फीमेल क्रिएचर को देखती है जो आपस में इंटीमेट हो रहे थे। इधर जब सारा कियना के पार्टी में पहुंचती है तो उससे वहाँ कियना नहीं दिखाई देती है, इसलिए वो कियना के रूम में जाती है। तभी सारा देखती है कि कियना स्काइलर के साथ इंटीमेट हो रही थी। ये देखकर सारा स्काइलर को रूम से बाहर ले आती है और कियना को बताती है कि स्काइलर के सेक्सुअल पार्ट में क्रिएचर ने कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से वो जिसके साथ भी सेक्स करेगा वो नए क्रिएचर को जन्म देगी। तभी स्काइलर सेक्स के लिए ओवर एक्साइटेड हो जाता है, जिससे वो सारा और हेली की तरफ आकर्षित होता है, लेकिन सारा उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है। उधर वो क्रिएचर अपनी फीमेल क्रिएचर को प्रेग्नेंट कर देता है और पार्टी में आकर कियना को अपने कंट्रोल में ले लेता है। तभी कियना उसी पार्टी में मौजूद एक लड़के को फेंकती है, जिससे उस पार्टी के सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी सारा उस क्रिएचर पर शॉट से हमला करने लगती है। इसी बीच हेली उस क्रिएचर को इलेक्ट्रिक शॉक देती है, जिससे वो क्रिएचर कियना को छोड़कर एक दूसरी लड़की को अपने कंट्रोल में ले लेता है। फिर जब हेली उसके पास जाती है तो वो क्रिएचर हेली को दूर फेंक देता है। इसके बाद सारा हेली के पास जाती है, तभी स्काइलर हेली के पास आता है, जिसके ऊपर अब उस क्रिएचर का कंट्रोल होता है। ये देखकर हेली स्काइलर के प्राइवेट पार्ट पर इलेक्ट्रिक शॉक देती है, जिससे वो क्रिएचर स्काइलर को छोड़कर एक मिक्सर मशीन में गिर जाता है। फिर सारा उस मिक्सर मशीन को चालू कर देती है और वो क्रिएचर उसी में पिसकर मारा जाता है। इसके बाद सारा अकेले ही उस फीमेल क्रिएचर को मारने के लिए बेसमेंट में जाने लगती है। अब सारा अपनी मॉम केट को वहाँ से आजाद करा देती है। तभी सारा देखती है कि वो फीमेल क्रिएचर कुछ ही देर में अपने बच्चे को जन्म देने वाली है। ये सब देखकर सारा केट को विंडो से बाहर भेज देती है, पर तभी वो फीमेल क्रिएचर सारा के ऊपर हमला कर देती है। इसी बीच सारा को वहाँ एक यूट्रोटॉनिक यानी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने वाली मेडिसिन मिलती है, जिसे लेकर वो उस फीमेल क्रिएचर के अंदर डाल देती है। इससे उस क्रिएचर की प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है और वो वहीं पर मारी जाती है। अब हेली वहां आकर सारा को बेसमेंट से ऊपर खींच लेती है। कुछ देर बाद यह एम्बुलेंस आती है जो घायल लोगों को हॉस्पिटल भेजती है। सारा और हेली उन दोनों क्रिएचर को मारकर काफी खुश होती हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म।